नमस्कार साथियों, कल हमने पढ़ा था वैदिक गणित के अंतर्गत योग संक्रिया, व्यकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में हमने उदर्व त्रिक विधि पढ़ी थी, तो आज एक उदाहरण और देख लेते हैं इनका। 842 गुणा 858। अब हम इनको इस प्रकार लिखेंगे, 842, 858। अब इनकी हम भाग करेंगे, तो हम पहला भाग ये करेंगे 8 का गुणा 8 से। सेकेंड भाग हम करेंगे 84 का गुणा 85 से। थर्ड भाग हम करेंगे तीन अंकों का 842, 858। और फोर्थ भाग हम करेंगे 42 का 58 से। और पांचवा भाग हम करेंगे 2 का 8 से। तो हम पुनः इनका गुणा कर देंगे। एक संख्या का डायरेक्ट गुणा 64, 8 का गुणा 5 से 40, और 8 का गुणा 4 से 32। फिर तीन संख्याओं के हम बाहर की संख्या का क्रॉस गुणा करेंगे तथा बीच वाली संख्या का सीधा गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा 8 से 64, 8 का गुणा 2 से 16, 4 का गुणा 5 से 20। फिर पुनः हमारे दो संख्या को आ जाएगा, तो बाहर का क्रॉस गुणा कर देंगे। 8 का गुणा 4 से 32, 5 का गुणा 2 से 10। इसी प्रकार लास्ट वाली संख्या का 2 गुणा 8 से 16 हो जाएगा। अब हम इन अंकों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगा 64 का 64, 40, 32, 72, 64, 16 और 20 हो जाएंगे 100, 32 और 10, 42 और ये 16। अब इनका एक अंक यहीं रखते हुए आगे वाले अंक को परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 1 42 और 1 ये हो जाएगा 43 का 3, 4 हो जाएगा 104, 104 का 4 यहाँ आ जाएगा, 10 आगे जाएगा 72, 2 10, 82 का 2 यहाँ आ जाएगा और 10 8 आगे जाएगा और 64 और 8 आपके होते हैं 72। इस प्रकार हमारे ये उदर्व त्रिक विधि से गुणा हो गया है। अब हम देखेंगे वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया गुणन संक्रिया के जैसे ही है, तो हम गुणन संक्रिया की निखिलम विधि इस वर्ग संक्रिया में उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहले हम गुणन की निखिलम विधि सीख लेते हैं। अब पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हमारे यहाँ 18 और 17 का गुणा हो गया, इसमें भी निखिलम भी दो विधि होती है, आधार और उपाधार। तो सबसे पहले हम इसका आधार विधि से देखते हैं। तो आधार विधि से ये देखेंगे, तो आधार विधि जब संख्या 10 की घात के आधार 10 की घात के रूप में ले तो वह आधार विधि, और उसके साथ किसी और संख्या का गुणा हो जाए तो वह उपाधार विधि कहलाती है। तो हम यहाँ आधार 10 लेंगे, आधार 10 लेंगे, तो 10 से ये दूर आधार, 10 से ये 8, प्लस के 8 दूर है और ये प्लस के 7 दूर। अब हम दो संख्याओं या तीन संख्या कोई भी हो, जो संख्या ले रहे हैं उसकी सामने वाला नहीं, उसकी क्रॉस वाला साथ में, जो प्लस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 18 ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो इसके साथ प्लस के 7 आ जाएंगे। और पीछे वाली जो संख्या है
उनको हम गुणा कर देंगे प्लस की संख्या, तो आठ प्लस की आठ और प्लस की सात के साथ गुणा। अब हम 18 और 7 ये होते हैं 25 और ये हो गए 56। अब हमारे पास यहाँ पर दो संख्या है और यहाँ पर एक संख्या है, तो हम इस विधि में उतनी ही संख्या रखेंगे जितनी आधार में जीरो है, जितनी आधार में जीरो है उतनी ही संख्या बाएं पक्ष में रखेंगे। तो यहाँ 6 रख देंगे और 5 को आगे ले जाएंगे तभी हो जाएगी 30। इस प्रकार हमारी 17 और 18 से गुणा पर 306 हो गई। अब हम उप आधार विधि का सीख लेते हैं। इसी दो संख्याओं का गुणा से 18 और 17 के दोनों के गुणे से हम उप आधार विधि किस प्रकार करेंगे। तो आधार विधि हमारे आधार 10 होता है, यदि हमें इनको 20 के नजदीक माने तो इसके आगे 2 लगा दें, इसका मतलब उप आधार आपके हो गया 2 और आधार हो गया 10, यानी उप आधार 2 और आधार 10। अब यदि माने तो 18 20 से -2 दूर है और 17 -3 दूर है। अब वही विधि हम संख्या ये लेते हैं तो इसके सामने यदि प्लस है तो जुड़ेगी और माइनस है तो घटेगी। 18 -3 / पीछे वाली संख्या का गुणा कर देते हो, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, -2 × -3। और हमारी उप आधार विधि है तो आगे वाली संख्या के साथ उप आधार का गुणा कर लेते हैं, यानी 2 × 18 - 3 = 15 और -2 × -3 = 6। अब 15 × 2 होते हैं 30 और ये 6 ऑब्लिक में आ गया। अब हमारे पास आधार की संख्या 10 है तो इस पीछे वाले भाग में एक ही संख्या आनी चाहिए और एक है, तो हमारे 6 लिख दिया, बाकी का वैसा उतार दिया। तो इस प्रकार हमारे पिछले गुणे में और इस गुणे में दोनों समान संख्या आई। अब हम इन निखिलम विधि का उपयोग करते हुए वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे आधार विधि से। तो हम 17 का वर्ग निकालने जा रहे हैं, 17 का वर्ग। तो सबसे पहले हम वर्ग का निखिलम विधि का फॉर्मूला नहीं रटेंगे, हम उसी गुणन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने आप हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इनकी गुणन प्रक्रिया क्या थी, 17 × 17। आधार विधि ले रहे हैं तो आधार हो जाएगा 10, तो ये 10 शेष प्लस के साथ दूर है और ये भी प्लस के साथ दूर है, वर्ग संक्रिया, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कि हम यदि ये संख्या लेते हैं तो इसके सामने वाली संख्या ले लेंगे 17 + 7 और ऑब्लिंग में 7 और इस संख्या का गुणा कर देंगे 7 × 7। ये इस पर आगे अब हम हल गुणन संक्रिया के आधारित कर देंगे। अब हम इनसे फॉर्मूला निर्मित करेंगे। अब हमको ये देखने में मिल रहा है कि ये संख्या आ रही है जिसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं, तो ये हमने संख्या लिख दी। अब हम जो ये 17 आधार से 7 अधिक है, आधार से 7 अधिक है तो 7 ये विचलन हुआ, जो हमारे ये दिख रहा है जो 7 10 से अधिक है, यानी 10 से कितना विचलित हो रहा है, प्लस के 10, यानी प्लस के 10 प्लस के 7 10 से अधिक है तो आप इसमें प्लस विचलन कर रहे हैं। फिर ऑब्लिक लगा दिया, फिर जो हमें जो दो संख्या ये 7 विचलन था, विचलन का 2 बार गुणा, यानी विचलन गुणा विचलन
या हम इसको विचलन गुणा विचलन न करके विचलन का स्क्वायर भी लिख लें, तभी भी वही बात है। इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला ऊपर वाली संख्या से निर्मित हो गया, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। अब हम इस विधि से निकालेंगे तो संख्या क्या थी 17, विचलन 10 से कितना है 7, ये आधार विधि है, प्लस यानी विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और वही बात 7 का 7। अब दोबारा ये आपको अब देखने को मिल गया है 17, संख्या 17 प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर। अब 17 प्लस 7 आपके होता है 120, 7 का स्क्वायर 49। अब वही बात आधार 10 है तो आधार में एक जीरो है, तो हमारे राइट हैंड की ओर एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ एक अंक लिख देंगे 9 और 4। हम उसी विधि को आगे ले जाएंगे तब ये आपके हो जाएगा 120 और 4 28। इस प्रकार बहुत ही जल्दी आसान निकालने का तरीका है निकेलम विधि से वर्ग निकालने का, आधार विधि से। आधार विधि का फॉर्मूला दोबारा देख लीजिएगा, हमने जो भी बनाया है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये दो संख्या में आपकी लागू, दो अंकों की संख्या तक ये फॉर्मूला लागू होता है वर्ग निकालने में। अब हम इसी संख्या का उप आधार विधि से निकालने का प्रयास करेंगे, 17 का स्क्वायर उप आधार विधि से। तो हम पहले इसकी गुणन संक्रिया देखेंगे, 17 उप आधार यदि हम लें तो 2 गुणा 10 यानी 20 के नजदीक है, तो 17 20 से माइनस 3 दूर है और ये भी 17 माइनस 3 दूर है। और उपाधार विधि ले रहे हैं तो देखो हमने पिछली बार कहा था कि इस संख्या लेंगे तो इसके सामने वाली नहीं लेके क्रॉस में लेंगे माइनस 3। फिर हम इन पीछे वाली माइनस 3 गुणा माइनस 3 लेंगे, फिर आगे वाली संख्या का विचलन से गुणा कर देंगे, सॉरी उपाधार से गुणा कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा निर्मित हुआ, तो हम इससे हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे आगे ये लगा हुआ है उपाधार, जो भी हमारे उपाधार है वो लगेगा, उसके बाद संख्या आएगी। अब हम देखो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे कि ये तो माइनस इसका चिन्ह है, घटा थोड़ी दे इसी का चिन्ह आया है माइनस के कारण, तो यहाँ प्लस विचलन ऑब्लिक या विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर आ जाए। इस प्रकार ये हमारे निर्मित हो गया, क्योंकि हम इसे आगे एक संख्या में लेंगे जहाँ प्लस आधारित भी बना लेंगे, तो फॉर्मूला प्लस का सही रहेगा। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो उपाधार आ गया आपके 2, 17 प्लस यानी माइनस के 3 आया, ऑब्लिक माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, तो 17 माइनस 3 आपके होता है 14, 2 गुणा 14 और 3 का स्कोर होता है 9, और यहाँ 9 का निकाला और 14 गुणा 2 28 ऑब्लिक। अब हमारे आधार में संख्या 1 है तो यहाँ भी एक अंक होना चाहिए, एक जीरो है तो यहाँ एक अंक होना चाहिए, एक अंक 2 8 9। इस प्रकार हमने ये उपाधार विधि से वर्ग निकाल लिया है। अब हम 98 का वर्ग निकालेंगे फॉर्मूले की सहायता से, और इसमें अब हम दोनों विधियों का यूज लेंगे, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि से हम लेना चाहें तो आधार 100 मान ले, आधार 100 मान लेते हैं तो ये 100 से माइनस 2 दूर है, यानी विचलन कितना हो गया आपकी माइनस 100, माइनस सॉरी टू माइनस 2।
अब हमारे पास फॉर्मूला था संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब हमारे पास संख्या है 98, विचलन है माइनस की 2, तो यहाँ प्लस माइनस की 2 आ गया, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर। 98 में से 2 गए 96, माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब हमारे पास आधार में 0, 2 है, तो हमारे पास संख्या भी 2 होनी चाहिए, जबकि हमारे पास 1 है। ज्यादा होती तो हम आगे ले जाते, कम होती तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद हमारे 2 अंक बन गए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0498 का स्कोर हो गया। अब हम इसी को उप आधार विधि से करेंगे, 98 का स्क्वायर उप आधार विधि से, उप आधार विधि से। उप आधार माने तो 10 की घात के रूप में आधार माना जाता है, तो इसे 9 × यदि 10 कर दे तो 90 हो जाएगा, 90 के नजदीक है, तो उप आधार आपके हो जाएगा 9, आधार हो जाएगा आपके 10। अब इसका विचलन माने तो प्लस की ये 8 हो जाएंगी। अब हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला कहता है उपाधार संख्या प्लस विचलन गुणा विचलन का ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार हमारे आया 9, संख्या है 98 प्लस विचलन है 8, विचलन का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर आपके हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64, 98 और 8 आपके हो गए 106 और गुणा 9 से, हम जानते हैं 9 का गुणा 6 से करें (954/64). अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि हम उपाधार ले रहे हैं, लेकिन हमें आधार देखना है कि आधार में 10 है, तो आधार में 0 है, इतने ही पीछे अंक आएंगे, इसको आगे ले जाएंगे, तो यहाँ 4 रखेंगे और 6 को आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमें 1 अंक रखना है, आधार में 1 0 है, तो 6 आगे ले जाएंगे, 954 और 6 हो जाएंगे 960। इस प्रकार ये हमारे उपाधार विधि से वर्ग संक्रिया हो गई। आज का इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके।